सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। सत्य को समझने के बाद तुम्हें उस पर अमल करना चाहिए। परमेश्वर का कार्य और वचन तुम्हारे स्वभाव में बदलाव लाने के लिए हैं। उसका लक्ष्य मात्र अपने कार्य और वचन को तुम लोगों को समझाना या ज्ञात कराना नहीं है। इतना पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे अंदर सोचने समझने की योग्यता है, इसलिए तुम्हें परमेश्वर के वचनों को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अधिकतर वचन इंसानी भाषा में लिखे हैं और वो बड़ी स्पष्टता से बोलता है। मिसाल के तौर पर तुम इस बात को पूरी तरह से जानने में सक्षम हो कि परमेश्वर तुम्हें क्या बात समझाना और किस पर अमल करवाना चाहता है। ये ऐसी बात है जिसे सूझबूझ रखने वाला एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, विशेषकर वर्तमान चरण में परमेश्वर जो वचन कह रहा है वे खास तौर पर स्पष्ट और पारदर्शी हैं, और परमेश्वर ऐसी अनेक बातों की ओर इशारा कर रहा है जिन पर लोगों ने विचार नहीं किया है। इसके साथ साथ हर तरह की इंसानी स्थितियों की ओर इशारा कर रहा है। उसके वचन व्यापक हैं और पूरी तरह से स्पष्ट हैं, इसलिए अब लोग बहुत से मुद्दों को समझते हैं, लेकिन एक चीज अभी भी छूट रही है, लोगों का उसके वचनों को अमल में लाना। लोगों को सत्य के हर पहलू का विस्तार से अनुभव करना चाहिए। उसकी छानबीन और खोज ज्यादा विस्तार से करनी चाहिए, बजाय इसके कि जो कुछ भी उन्हें उपलब्ध कराया जाए महज उसे आत्मसात करने का इंतजार करें, वरना वे परजीवी से ज्यादा कुछ नहीं हैं। वे परमेश्वर के वचनों को जानते तो हैं, फिर भी उस पर अमल नहीं करते। इस तरह का व्यक्ति सत्य से प्रेम नहीं करता और अंततः उसे हटा दिया जाएगा। 1990 के पतरस जैसा बनने के लिए तुम लोगों में से हर एक को परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करना चाहिए, अपने अनुभव में सच्चा प्रवेश करना चाहिए और परमेश्वर के साथ अपने सहयोग में ज्यादा और कहीं अधिक विशाल प्रबोधन प्राप्त करना चाहिए, जो तुम्हारे अपने जीवन के लिए सदा अधिक सहायक होगा। अगर तुम लोगों ने परमेश्वर के बहुत सारे वचन पढ़े हैं लेकिन केवल पाठ के अर्थ को समझा है, और तुम में अपने व्यवहारिक अनुभव से परमेश्वर के वचनों का प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव है, तो तुम परमेश्वर के वचनों को नहीं समझोगे। तुम्हारे विचार से परमेश्वर के वचन जीवन नहीं है, बल्कि महज बेजान शब्द हैं। और अगर तुम केवल बेजान शब्दों का पालन करते रहोगे, तब न तो तुम परमेश्वर के वचनों के सार को ग्रहण कर पाओगे, न ही उसकी इच्छा को समझ पाओगे। जब तुम अपने वास्तविक अनुभव में उसके वचनों का अनुभव कर लोगे, तभी परमेश्वर के वचनों का आध्यात्मिक अर्थ तुम्हारे सामने स्वयं को प्रकट करेगा
और अनुभव से ही तुम बहुत से सत्यों के आध्यात्मिक अर्थ को ग्रहण कर पाओगे और परमेश्वर के वचनों के रहस्यों को खोल पाओगे। अगर तुम इन्हें अमल में न लाओ तो उसके वचन कितने भी स्पष्ट क्यों ना हो, तुमने बस उन खोखले शब्दों और सिद्धांतों को ही ग्रहण किया है जो तुम्हारे लिए धर्म संबंधी नियम बन चुके हैं। क्या यही फरीसियों ने नहीं किया था? अगर तुम लोग परमेश्वर के वचनों को अमल में लाओ और उनका अनुभव करो तो ये तुम लोगों के लिए व्यवहारिक बन जाएंगे। अगर तुम इनका अभ्यास करने का प्रयास न करो तो तुम्हारे लिए परमेश्वर के वचन तीसरे स्वर्ग की किंवदंती से ज्यादा कुछ नहीं है। दरअसल तुम लोगों द्वारा परमेश्वर में विश्वास रखने की प्रक्रिया ही उसके वचनों का अनुभव करने और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया है। या इसे और अधिक साफ तौर पर कहें तो परमेश्वर में विश्वास रखना, उसके वचनों को जानना, समझना, उनका अनुभव करना और उन्हें जीना है। परमेश्वर में तुम लोगों की आस्था की सच्चाई ऐसी ही है। अगर तुम लोग परमेश्वर में विश्वास रखते हो और अनंत जीवन पाने की आशा करते हो लेकिन परमेश्वर के वचनों को इस प्रकार अमल में लाने का प्रयास नहीं करते, मानो कि वो ऐसी कोई चीज है जो तुम्हारे भीतर है, तो तुम मूर्ख हो। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे किसी दावत में जाकर केवल भोज्य पदार्थों को देखा और उनमें से किसी भी चीज का स्वाद चखे बिना स्वादिष्ट चीजों को रट लिया। क्या ऐसा व्यक्ति मूर्ख नहीं होगा? इंसान के लिए आवश्यक सत्य परमेश्वर के वचनों में निहित है और सत्य ही इंसान के लिए अत्यंत लाभदायक और सहायक होता है। तुम लोगों के शरीर को इस टॉनिक और पोषण की आवश्यकता है। इससे इंसान को अपनी सामान्य मानवीयता को फिर से प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये ऐसा सत्य है जो इंसान के अंदर होना चाहिए। तुम लोग परमेश्वर के वचनों का जितना अधिक अभ्यास करोगे उतनी ही तेजी से तुम लोगों का जीवन विकसित होगा और सत्य उतना ही अधिक स्पष्ट होता जाएगा। जैसे जैसे तुम लोगों का आध्यात्मिक कद बढ़ेगा, तुम आध्यात्मिक जगत की चीजों को उतनी ही स्पष्टता से देखोगे और शैतान पर विजय पाने के लिए तुम्हारे अंदर उतनी ही ज्यादा शक्ति होगी। जब तुम लोग परमेश्वर के वचनों पर अमल करोगे तो तुम लोग ऐसा बहुत सा सत्य समझ जाओगे जो तुम लोग समझते नहीं हो। अधिकतर लोग अमल में अपने अनुभव को गहरा करने के बजाय महज परमेश्वर के वचनों के पाठ को समझकर और सिद्धांतों से लैस होकर ध्यान केंद्रित करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या ये फरीसियों का तरीका नहीं है? तो उनके लिए ये कहावत परमेश्वर के वचन जीवन हैं वास्तविक कैसे हो सकती है?
किसी इंसान का जीवन मात्र परमेश्वर के वचनों को पढ़कर विकसित नहीं हो सकता, बल्कि परमेश्वर के वचनों को अमल में लाने से ही होता है। अगर तुम्हारी सोच ये है कि जीवन और आध्यात्मिक कद पाने के लिए परमेश्वर के वचनों को समझना ही पर्याप्त है, तो तुम्हारी समझ विकृत है। परमेश्वर के वचनों की सच्ची समझ तब पैदा होती है जब तुम सत्य का अभ्यास करते हो, और तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि इसे हमेशा सत्य पर अमल करके ही समझा जा सकता है। आज परमेश्वर के वचनों को पढ़कर तुम केवल ये कह सकते हो कि तुम परमेश्वर के वचनों को जानते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि तुम इन्हें समझते हो। कुछ लोगों का कहना है कि सत्य पर अमल करने का एकमात्र तरीका ये है कि पहले इसे समझा जाए, लेकिन ये बात आंशिक रूप से ही सही है। निश्चय ही ये पूरे तौर पर सही तो नहीं है। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने से पहले तुमने उस सत्य का अनुभव नहीं किया है। किसी उपदेश में कोई बात सुनकर ये मान लेना कि तुम समझ गए हो, सच्ची समझ नहीं होती। इसे महज सत्य को शाब्दिक रूप में समझना कहते हैं। ये उसमें छिपे सच्चे अर्थ को समझने के समान नहीं है। सत्य का सतही ज्ञान होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम वास्तव में इसे समझते हो या तुम्हें इसका ज्ञान है। सत्य का सच्चा अर्थ इसका अनुभव करके आता है। इसलिए जब तुम सत्य का अनुभव कर लेते हो, तो तुम इसे समझ सकते हो, और तभी तुम इसके छिपे हुए हिस्सों को समझ सकते हो। संकेतार्थों को और सत्य के सार को समझने के लिए तुम्हारा अपने अनुभव को गहरा करना ही एकमात्र तरीका है। इसलिए तुम सत्य के साथ हर जगह जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई सत्य नहीं है, तो फिर धार्मिक लोगों की तो छोड़ो, तुम अपने परिवार जनों तक को आश्वस्त करने का भी प्रयास करने की मत सोचना। सत्य के बिना तुम हवा में तैरते हिम कणों की तरह हो, लेकिन सत्य के साथ तुम प्रसन्न और मुक्त रह सकते हो, और कोई तुम पर आक्रमण नहीं कर सकता। कोई सिद्धांत कितना ही सशक्त क्यों ना हो, लेकिन वो सत्य को परास्त नहीं कर सकता। सत्य के साथ दुनिया को झुकाया जा सकता है और पर्वतों समुद्रों को हिलाया जा सकता है, जबकि सत्य के अभाव में कीड़े मकौड़े भी शहर की मजबूत दीवारों को मिट्टी में मिला सकते हैं। ये एक स्पष्ट तथ्य है। वर्तमान चरण में पहले सत्य को जानना बेहद महत्वपूर्ण है, फिर उसे अमल में लाना, और उसके बाद सत्य के सच्चे अर्थ से स्वयं को समर्थ बनाना। तुम लोगों को इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों से मात्र अपनी बातों का अनुसरण करवाने का प्रयास करने के बजाय
तुम्हें उनसे अपने अभ्यास का अनुसरण करवाना चाहिए। केवल इसी प्रकार से तुम कुछ सार्थक हासिल कर सकते हो। तुम पर चाहे कोई भी मुसीबत आए, चाहे तुम्हें किसी का भी सामना करना पड़े, अगर तुम्हारे अंदर सत्य है तो तुम डटे रह पाओगे। परमेश्वर के वचन इंसान को जीवन देते हैं, मृत्यु नहीं। अगर परमेश्वर के वचन पढ़कर भी तुम जीवित नहीं होते बल्कि मुर्दे ही रहते हो तो तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ समय के बाद तुम परमेश्वर के काफी वचनों को पढ़ लेते हो और व्यावहारिक उपदेशों को सुन लेते हो, लेकिन तब भी तुम मृत्यु की स्थिति में रहते हो, तो ये इस बात का प्रमाण है कि तुम सत्य की कद्र करने वाले इंसान नहीं हो, न ही तुम सत्य के लिए प्रयास करने वाले इंसान हो। अगर तुम लोग सचमुच परमेश्वर को पाने का प्रयास करते तो तुम लोग सिद्धांतों से लैस होने और लोगों को सिखाने के लिए ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों का इस्तेमाल करने में अपना ध्यान केंद्रित न करते, बल्कि परमेश्वर के वचनों का अनुभव करने और सत्य को अमल में लाने पर ध्यान केंद्रित करते। क्या अब तुम लोगों को इसमें प्रवेश करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? परमेश्वर के पास इंसान में कार्य करने का सीमित समय है, इसलिए अगर तुम उसके साथ सहयोग न करो तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? परमेश्वर हमेशा क्यों चाहता है कि एक बार समझ लेने पर तुम लोग उसके वचनों पर अमल करो? वो ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि परमेश्वर ने तुम लोगों के सामने अपने वचनों को प्रकट कर दिया है, और तुम लोगों का अगला कदम है उन पर वास्तव में अमल करना। जब तुम उन वचनों पर अमल करोगे तो परमेश्वर प्रबोधन और मार्गदर्शन का कार्य पूरा करेगा। ये कार्य इसी तरह से किया जाना है। परमेश्वर के वचनों से इंसान का जीवन फलता फूलता है। उसमें ऐसा कोई तत्व नहीं होता जो इंसान को भटकाए या उसे निष्क्रिय बनाए। तुम कहते हो कि तुमने परमेश्वर के वचनों को पढ़ा है और उस पर अमल किया है, लेकिन तुमने अभी भी पवित्र आत्मा से कोई कार्य प्राप्त नहीं किया है। तुम्हारे शब्द सिर्फ किसी बच्चे को बेवकूफ बना सकते हैं। अन्य लोगों को शायद न पता लगे कि तुम्हारे इरादे सही हैं या नहीं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि परमेश्वर को पता नहीं चलेगा? ऐसा कैसे है कि लोग परमेश्वर के वचनों पर अमल करते हैं और उन्हें पवित्र आत्मा का प्रबोधन प्राप्त हो जाता है, लेकिन तुम उसके वचनों पर अमल करके भी पवित्र आत्मा का प्रबोधन प्राप्त नहीं करते? क्या परमेश्वर के अंदर भावनाएं हैं? अगर तुम्हारे इरादे सचमुच सही हैं और तुम सहयोग करते हो तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ होगा। कुछ लोग हमेशा अपना ही झंडा बुलंद रखना चाहते हैं
किंतु क्यों परमेश्वर उन्हें ऊपर उठकर कलीसिया की अगुवाई नहीं करने देता? कुछ लोग मात्र अपना काम करते हैं और अपने कर्तव्यों को करते हैं, और इससे पहले कि वे इसे जानें, वे परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर इंसान के अंतरतम हृदय की जांच करता है, और जो लोग सत्य का पालन करते हैं उन्हें ऐसा सही इरादों के साथ करना चाहिए। जिन लोगों के इरादे सही नहीं होते, वे दृढ़ नहीं रह पाते। मूलतः तुम लोगों का लक्ष्य परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर प्रभाव ग्रहण करने देना है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के वचनों के अपने अभ्यास में वचनों की सच्ची समझ हासिल करना है। शायद परमेश्वर के वचनों को समझने की तुम्हारी क्षमता थोड़ी कच्ची है, लेकिन जब तुम लोग परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करते हो तो वो इस दोष को दूर कर सकता है। तो तुम लोगों को न केवल बहुत से सत्यों को जानना चाहिए, बल्कि तुम्हें उनका अभ्यास भी करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यीशु ने भी अपने 35 वर्षों में बहुत से अपमान सहे और बहुत कष्ट उठाए। उसने इतने अधिक कष्ट केवल इसलिए उठाए क्योंकि उसने सत्य पर अमल किया। सभी चीजों में वो परमेश्वर की इच्छा पर चला, और केवल परमेश्वर की इच्छा की ही परवाह की। अगर उसने सत्य पर अमल किए बिना उसे जान लिया होता तो वो ये कष्ट न उठाता। अगर यीशु ने यहूदियों की शिक्षाओं का पालन किया होता और फरीसियों का अनुसरण किया होता तो उसने कष्ट न उठाए होते। तुम यीशु के कर्मों से सीख सकते हो कि इंसान पर परमेश्वर के कार्य की प्रभावशीलता इंसान के सहयोग से ही आती है। ये बात तुम लोगों को समझ लेनी चाहिए। अगर यीशु ने सत्य पर अमल न किया होता तो क्या उसने वो दुख उठाए होते जो सूली पर उठाए? अगर उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप कार्य न किया होता तो क्या वो ऐसी दर्द भरी प्रार्थना कर पाता? इसलिए तुम लोगों को सत्य के अभ्यास की खातिर कष्ट उठाने चाहिए। इंसान को इस तरह के कष्ट उठाने चाहिए।